नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दो प्याज़ा। उसके लिए हमने लिया 300 ग्राम पनीर, उसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। दो प्याज को हमने चार टुकड़ों में काट कर उनके इस ढंग से खोल लिया है। तीन टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। तीन चम्मच हमने खसखस को थोड़े से पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। दो प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया है। तीन हरी मिर्ची को हमने स्लिट कर लिया है। थोड़े से धनिया को हमने बारीक काट लिया है। दो सूखी लाल मिर्ची ली है हमने। डेढ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक इंच अदरक को हमने लंबा लंबा काट लिया है। सबसे पहले हम इन टमाटरों को और ये भीगी हुई खसखस को मिक्सी में प्यूरी बना लेंगे। ये हमने बना ली है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे एक चम्मच, उसको ब्रश से फैला लेंगे और उसको गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया। जो हमने बल्ब के टुकड़ों के आकार के प्याज काटे हैं उसे एक मिनट के लिए तेज गैस पर ही भून लेंगे चलाते हुए। ये हो गया है, इसको कम गैस करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं अलग से। अब इसी पैन में थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल डालेंगे और हम पनीर को हमने इसमें फ्राई करना है, शैलो फ्राई। धीरे धीरे डालें, ये एक से डेढ़ मिनट में हमारे फ्राई हो जाएंगे पनीर पलटते हुए। इसे हम पलटेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, ये गोल्डन हो रहे हैं ऐसे ही। थोड़े से दूसरी साइड भी हो जाएंगे। ये हो गए हैं, इसको प्लेट में निकाल लेंगे हम। हाँ, अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे एक कटोरी में। इसी पैन में हम सब्जी बनाएंगे। हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया, अब गैस को जला के इसे गर्म कर देंगे। अब सबसे पहले हम डालेंगे सूखी लाल मिर्ची जो दो रखी थी और 1/4 टीस्पून डालेंगे जीरा। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज जो हमने घिस के रखी हुई है, उसको भी तेज गैस कर लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे चलाते हुए। ये हो गया है। सबसे पहले हम अदरक डाल देंगे जो हमने लंबा लंबा काट रखा है, उसे भी मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसमें हम कम गैस कर ये 1/2 टीस्पून मैं देगी मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डालेंगे हम हल्दी और साथ साथ चलाते रहें। 1/2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, इसको हम चलाते हुए मिक्स कर देंगे। अब ये डाल देंगे स्लिट करी हुई हरी मिर्ची, गैस को तेज कर दें। अब डालेंगे हम जो हमने प्यूरी तैयार करी है टमाटर की और खसखस की, उसको भी 2 मिनट तक इसमें अच्छे से तेज गैस पर ही चलाते हुए भून लेंगे। ये हो गया, इसे गैस को कम कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे चलाते हुए तेज गैस कर। अब डाल देंगे इसमें हम पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है, उसे भी इस मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, उसको तेज गैस कर हम एक उबाल आने देंगे। हाँ, ये उबाला आ गया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने सौते करके रखे हुए हैं, उसे भी मिक्स कर देंगे चलाते हुए। अब इसको हम कम गैस कर ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको पहले चला देंगे। सब्जी हमारी तैयार है, गैस को बंद कर देंगे और हरा धनिया डालकर इसको हम सर्व करेंगे।
ये देखिए हमारा पनीर दो प्याज़ा तैयार है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगेगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।